उसके बाद कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर गिर जाऊंगी तो आप मर जाओगे। अरे बहना, ये भाई तुमको गिरने नहीं देगा ना, तुमको कभी गिरने नहीं देगा, अगर गिरोगे तो थाम लूंगा मैं, समझे? इतनी हिम्मत हिम्मत हो ऐसी। मैंने कहा था कि शरीर की बात ना करिए, कलेजे की बात करिए। आपने कहा आपका तो 56 इंच का सीना है नहीं, जवाब मैं आपको बहुत बढ़िया दे सकता हूँ, लेकिन कुछ गरिमाएं हैं हमारे पास। चलिए मेरा तो सही, किसी का तो है 56 इंच का, किसी का होना चाहिए। और रही बात मेरी तो रोशनी जी, क्या कहें हम आपसे, कीर्तन करो। किसी का मतलब आप अन्य कहीं मत जाइएगा। अरे अपने हिंदुस्तान में अपने जवानों का 56 इंच का सीना है। और क्या क्या बेटे, बिल्कुल सही बात, और सी चीजें हैं, लेकिन मैं गरीबों को पार नहीं कर सकता ना। एक बात आपकी हमको अच्छी लगी, आपने कहा कि जो भैया तुम्हारे पूरे मंडल को सुबह गंगा स्नान करवा के भेजेंगे। अच्छा, क्या तुम गंगा स्नान से डरती हो क्या? और डरती हो तो भूलो मत, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जबरदस्ती तुमको डुबकी लगवाऊंगा। ये लोग हफ्तों नहीं नहाते। खंडगीर मैंने दिया था, एक भैया जी बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि कुछ समझ में नहीं आया होगा किसी के, वो पीलिया का जवाब जो मैंने दिया था, वो मैंने कह दिया था कि सबकी समझ में आएगी ये बात, लेकिन उन भैया जी की समझ में नहीं आई होगा। रोशनी जी, किसी की समझ में आए ना आए ये हम आप नहीं जानते, लेकिन आप जान लीजिए, आपने पीलिया बीमारी की बात की थी, लेकिन मेरे गीत में उस बीमारी का इलाज लगा हुआ था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीलिया से लड़ने के बाद भी जीवन को जी लिया। और दूसरी चीज सार्थक मैंने किया था कि प्रहलाद को विष पिलाया गया लेकिन वो जिए। फिर आप कह रहे हो ये 3G लिया क्या है, 3G लिया क्या है, 4G लिया क्या है, 4 मैंने कहा 3 मतलब 3G लिया, मतलब 3G लिया दशरथ ने उस तीर ने, तो श्राप मिला, तो श्राप दशरथ के लिए फलीभूत हो गया। 4G लिया, 3G लेने के साथ में 4G मतलब 4 जीवन हुए, पुत्र रूप में प्राप्त हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब आवा समझ में, वो सीधे नहीं हो रहा भाई। अब कारण ये है कि अज्ञान है। शेर शायरी मैंने प्रारंभ नहीं की आपसे, कारण ये है कि आपको मालूम है कि जो हल्के कलाकार होते हैं रोशनी जी, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जैसे आप चाहें वैसा करें, आपकी मर्जी, जवाब तो मुझे दे दे। और क्या, अच्छा तुम शेर हो, शेर नहीं, हाँ सवा शेर जरूर हो। सुनिए मैं आपके इस शेर का जवाब अपने अंदाज में देता हूं, सुने सुने।
शेर शियर की बात नहीं करूंगा, हाँ आपकी बोलूंगी तो बोलूंगा। किसरों में रहे गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। अरे सरों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, तो पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। तो खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, सीसा हूं टूट कर भी थक छोड़ जाऊंगा। गीत का आपने जो जवाब दिया है लोगों ने सुन लिया है, अब एक कड़ी में आप ढाके गई है, मैं क्या कहूँ आपसे, जो भी आपने कहा है लोगों ने सुन लिया है। और ठंड गीत के जवाब में मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि पाक के आतंक के आकाओं की दिया था आतंकियों को, गोलियों से आतंकियों को सजा दे। फिर हमारी हमारा कश्मीर तो दुल्हन है, आतंकियों को सजा दे, फिर कश्मीर सजा दे। मेरे खंड गीत में गृह मंत्री की संसद में बोल रहे हैं, आप तरफ कौन कहां बोल रहा है? ठीक है, जो भी गाया है लोगों ने सुन लिया है, उस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने गाया बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, कुछ कहना नहीं चाहता। अब सीधा चलता हूं आपके खंड गीत की ओर। एक छेद वाला
नबी सूंड वाला। एक चीज और, जो जवाब में आ रहा था उनको भी आप लगाती चली गई, लेकिन समंदर में मोती न लालों की कमी है। और रोशनी जी, मैं आपकी तरह जवाब में फर्ज लागी नहीं करूंगा, फिर आपके इस खंड गीत को जवाब लाऊंगा। सुने सुने गीत गाया है।
सुने रोशनी की अब आप इस गीत का जवाब देने जा रहा हूं, क्योंकि पुत्र वियोग में मेरे प्राण जा रहे हैं तो पुत्र वियोग में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे। ये श्राप मिला। अब दशरथ जी वो समय आया कि राम वनवास चले गए, दशरथ व्याकुल हो रहे हैं। उस अंतिम समय में अपनी तीनों रानियों के पास दशरथ जी उपस्थित है। दशरथ जी लेटे हुए हैं बिस्तर पे और उनकी तीनों रानियां उनके इर्द गिर्द बैठी हुई है। और जब बैठी है तो देखिए दशरथ जी ने तीनों रानियों से कुछ कहा है। वो कहा क्या, जिसमें से कौशल्या से कह रहे हैं कि कौशल्या आज जो हो रहा है इस दुर्घटना के कारण मुझे पुरानी कुछ घटनाएं याद आ रही हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं। वो कहने लगे क्या स्वर जब हुआ था Thank you.
सियाए इनका मन घबराए। अरे आबा हो में चूक न जाए ऐसे मौके से, वो किसको पिया दे देख लिया खोपड़ी पर, और गंगा माँ का भार मिला महेश की खोपड़ी। अगर किसी का नाम निकल आए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं शंकर भगवान की बात कर रहा हूँ। कि धरती माँ का भार है सारा शेर की खोपड़ी पर, और गंगा माँ का भार मिला महेश की खोपड़ी। चढ़े राकेश है खोपड़ी पर, राकेश मतलब चंद्रमा। चढ़े राकेश है खोपड़ी पर, तुलसी कपलेश की खोपड़ी। कुछ बातें हैं जो सर से जुड़ी हुई ला रहा हूं। चढ़े राकेश है खोपड़ी पर, तुलसी कपलेश की खोपड़ी पर। आगे देखिए और क्या क्या इस सर पे हो रहा है। कि रथ में हाथ चला भस्मासुर, शिव शंकर की खोपड़ी पर। दस खोपड़ी का लंका पति था, रथे की खोपड़ी खोपड़ी। यानी भस्मासुर भगवान भोले बाबा के सर पे हाथ रखने के लिए बढ़ा, और रावण के नौ शीश तो बराबर पे लगे हैं, लेकिन दसवां जो विशेष वाला शीश है सर के ऊपर ऐसे समझे। बली धर्म ने जमा के रखा पैर बापू की खोपड़ी पर। तो किसी की अगर जवान बेटी घर में बैठी हो तो उसका बाप सुकून से नहीं रह सकता। कह रहा उसने कि बली धर्म में जमा के रखा पैर बापू की खोपड़ी पर। बेटी की शादी का बोझा होता बाप की खोपड़ी। सूर्य पति का ताज है, प्रभु हत्या का राज है। सूर्य पति का ताज है, प्रभु हत्या का राज है। और तीन पर धरती जब राजा वैसे बावन भगवान ने मांगी, तीन में सब कुछ लग गया, कहा ना पे दो में सब कुछ लग गया, तीसरा पर कहा धरे। तो राजा बल ने कहा मुझे ही नाप लो। और जब खुद को नपवाने की बात की तो कहना पड़ा सूर्यपति का ताज है, प्रभु हत्या का राज है। अरे बावन ने पग बढ़ा के रखा नरेश की खोपड़ी। बावन ने
पग बढ़ा के रखा नरेश की खोपड़ी पर, और गंगा माता हमारे सारा महेश की खोपड़ी चढ़े मिले परिचित कलयुग से। तो कहा मुझे रहने के लिए स्थान दो, तो कहा जाओ सोने में निवास करो। वो सोने के मुकुट में बैठ गया। एक समय आया कि परिचित ने जरासंध से जीते हुए उस मुकुट को धारण किया। जब धारण किया तो कहना पड़ा कि मिले परिचित कलयुग से, चढ़ बैठा कलयुग खोपड़ी पर, काल की छाया लगी दिखाने, काल रहा जब खोपड़ी पर। अब करिया लाल को लेके जा रहे हैं वसुदेव जी गोकुल, तो जा रहे हैं तो कहना पड़ा कि लिए लाल वसुदेव जी जाते रखे सूत को खोपड़ी पर। अगर जेठ की दुपारी में हम आप फंस जाए तो कहते भैया अब शाम को चले गए। क्यों क्यों? क्योंकि लिए लाल वसुदेव जी जाते रखे सूत को खोपड़ी पर, एक राक्षस कवन जिसका सर लगी पेट में, अरे मिली नहीं लगी पेट में, अरे मिली नहीं अब खोपड़ी किनका जिसको सर ही नहीं है। तो बड़ी चोरी का आरोप बढ़ा, बड़ी चोरी का आरोप बढ़ा ब्रजेश की खोपड़ी, बड़ी चोरी का आरोप बढ़ा ब्रजेश की खोपड़ी पर। तो धरती माता भारे सारा से की खोपड़ी चढ़े राखे खोपड़ी पर। आजकल विज्ञान तरक्की कर चुका है, तो इसी विज्ञान की देन है हम लोग चंद्रमा मंगल पे पहुंच गए, तो इसी विज्ञान की देन है देखने को हमको आपको मिलता है कि काले भूरे लाल सफेद गोल्डन लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तब काले भूरे लाल सफेद मिलते काले खोपड़ी पर, लेकिन अफसोस होता है जब किसी किसी को दार से देखो एक बार खोपड़ी पर। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ ना, फिल्म इंडस्ट्रीज में मिले नाती ये पोते हैं, लेकिन राकेश रोशन जी एक ऐसे जिन्हें सर पे बाल नहीं मिला। तो सुने सुने किसी किसी को गौर से देखो एक बाल ना खोपड़ी पर।
एक कथानक मिलता है जिसमें भैया पे सैया खोपड़ी, सैया पे भैया की खोपड़ी, आगे चलकर वही मोर मोरनी बने, भैया पे सैया की खोपड़ी, सैया पे भैया की खोपड़ी। वो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जयद्रथ सामने खड़ा है, लेकिन धरा पे गिरना पाए ध्यान तो शेष खोपड़ी, धरती माता मार सारा शेष की खोपड़ी चढ़े राखे खोपड़ी। पूरे शरीर का मेन कंप्यूटर यही है, तो हाथ पैर ना सारे तन का नियंत्रण बोझ है खोपड़ी पर। तो एक बात कहने जा रहा हूं, सात पांच की लाठी होती बोझ एक की खोपड़ी पर। आजकल धन्यवाद धन्यवाद, क्या रोशनी भी कहेंगे तभी आप लोग तालियां बजाएंगे, अगर कुछ अच्छा लग जाए करें तो तालियां बजा दिया करें। धन्यवाद। आजकल अपने रंग में रंग लेती माधुरी चढ़े जब खोपड़ी पर। क्या बात है माधुरी, जाति तो अंदर है लेकिन चढ़ती यहां है। लेकिन एक बात और कि अपने रंग में रंग लेती माधुरी चढ़े जब खोपड़ी पर, होती है पूर्ण कपाल क्रिया पास पड़े जब खोपड़ी पर। पारिवारिक बोझ है संसारिक बोझ है, पारिवारिक बोझ है संसारिक बोझ है, अरे अखिल विश्व का बोझ है, अखिल विश्व का बोझ है अखिल देश की खोपड़ी है, तो धरती माँ का भार है सारा शेष की खोपड़ी है चढ़े राखे। आदेशों को खंडित कर दिया।